हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। करप्शन के मुलजिम आहद चीमा को 20वें ग्रेड में तरक्की क्यों दी? पंजाब असेंबली में हंगामा, अपोजिशन अरकान का अलामती वॉकआउट। नैब का रवैया अफसरों को काम करने से रोक रहा है। वजीर कानून पंजाब का गिरफ्तारी पर एतराज। साबिक डीजी एलडीए की गिरफ्तारी पर हलचल। डीएमजी अफसरों ने दफ्तरों को ताले लगा दिए। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट साइलिन के लिए बंद। तोहीन अदालत केस, वफाकी वजीर दानियाल अजीज कटहरे में। सुप्रीम कोर्ट का वीडियो लीगी रहनुमा को फराहम करने का हुक्म। अदालत में स्क्रीन नस्ब की गई है, कौन सी फिल्म दिखा रहे हैं? जस्टिस अजमत सईद का इस्तफसार, कोई फिल्म नहीं दिखानी, वकील का जवाब। सेलेब्री फोन 2005 में मौजूद था, लाखों आईटी माहिरीन टेस्ट कर सकते थे। बरतानवी फोरेंसिक माहिर रॉबर्ट रेडले का एहतसाब अदालत में एतराज। जायजा लेने के लिए असल दस्तावेजात नहीं भेजी गईं, जुज़वी बयान रिकॉर्ड। नवाज शरीफ के वकील आज भी जिरह जारी रखेंगे। मियां नवाज शरीफ प्लस है और प्लस रहेगा, उसे माइनस करने का ख्वाब देखने वाले जो हैं ये ख्वाब ही देखते रहेंगे इंशाल्लाह। आईन पार्लियामेंट की तख्लीक और आईन सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम। नून लीग को किस बात की सजा दी गई? नवाज शरीफ प्लस है और प्लस ही रहेगा, माइनस करने वाले ख्वाब देखते रहे। राणा सनाउल्लाह की तनकीद। पार्टी सदारत से क्यों हटाया? गुजरावाला में लीगी कारकुनों का एहतजाज, टायर जलाकर रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। साबिक वजीर आजम के हक में नारेबाजी। हमें अपने अदारों के एहतराम में चलना पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ की बातों पे हमने अमल किया है। अदालतों के फैसले माना करो, गलत फैसले हो माना करो, तो हमने माने हैं। आज मियां साहब भी मान लें, जो भी फैसले हैं, अनस्टेबिलिटी है। मियां साहब अदालती फैसलों को तस्लीम करें, इदारों का एहतराम करना पड़ेगा। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का मशवरा, मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह से बैरूनी सरमायाकार नहीं आ रहे। मीडिया से गुफ्तगू। पीएसपी अरकान की पहली बार सिंध असेंबली में एंट्री, सिक्योरिटी एहलकारों ने दाखिले से रोका, एहतजाज पर पासेस जारी। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने आए हैं, मोहम्मद दिलावर की गुफ्तगू। पिशावर में सरकारी गाड़ी को बम से उड़ाने की कोशिश, धमाके में डिप्टी डायरेक्टर समेत 3 अफराद जख्मी। बारूदी मवाद सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल में नष्ट किया गया था। पार्लियामेंट हमला केस, इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 26 फरवरी को पेश होंगे। इक्तिसादी राहदारी हकीकत का रूप धार चुकी, ताफी मंसूबे से तवानाई की बढ़ती हुई जरूरियात पूरी होंगी, खत्ते में मजमूई तौर पर खुशहाली आएगी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का तुर्कमानिस्तान में तकरीब से खिताब। और जेल में अचानक तरक्की पर पंजाब में हलचल है,
ब्यूरोक्रेसी गिरफ्तारी के खिलाफ है और सिविल सेक्रेटेरिएट में साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अफसरान एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कुछ इस तरह से कि उन्होंने अपने दफातर को ताले लगा दिए हैं। डीएमजी अफसरान का इजलास भी हुआ है जिसमें अहद चीमा की रिहाई पर गौर किया गया है। उधर पंजाब असेंबली अराकीन अहद चीमा की तरक्की के मुखालिफ हैं। अपोजिशन अरकान ने अलामती वॉकआउट कर दिया है। अहद चीमा को तरक्की दे दी गई उस वक्त जबकि उन्हें नैब ने करप्शन चार्जेस पर गिरफ्तार किया है। अपोजिशन ने पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज किया है और इस तरह से एक डिविजन दिखाई दे रही है। कुछ लोग उनकी गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे हैं तो कुछ दूसरे लोग उनको तरक्की मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं। आतिमा की गिरफ्तारी पर ब्यूरोक्रेसी तकसीम है। एक ग्रुप ने दफातर में तालाबंदी कर दी है जबकि दूसरा ग्रुप इस वक्त काम में मसरूफ है। जेल में उनको तरक्की दी गई, अचानक तरक्की, जिस पर पंजाब असेंबली के इजलास में खूब शोरगुल हुआ और अपोजिशन अरकान खास तौर पर तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इस अहम मसले की तरफ निशानदेही की कि वादा मुआफ गवाह बनने का खदशा है, इसलिए तरक्की दे दी गई ताकि जुबाबंदी हो सके। बहरहाल अहम मामला है साबिक डीजी एलडीए अहद खान चीमा जिन्हें लाहौर से गिरफ्तार किया गया। नैब उन्हें बार बार तलब करता रहा लेकिन वो पेश ना हुए। आशियाना हाउसिंग स्कीम ने करप्शन का ये मामला है और अहद चीमा नैब की हिरासत में है जिस पर एहतजाज हो रहा है। उनकी तरक्की के खिलाफ भी एहतजाज किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेट की गिरफ्तारी, अफसर शाही बुरा मान गई। साबिक डीजीएलडीए अहद चीमा को बदनामी के इल्जाम में नैब ने गिरफ्तार किया तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उमर रसूल खाम ठोक कर हिमायत में निकल आए और अहद चीमा की गिरफ्तारी के खिलाफ डीएमजी ग्रुप अफसरान को फौरी तौर पर दफ्तर बंद करने का हुक्म दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उमर रसूल के अलावा एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर दानिश अफजाल, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन इरफान अली ने भी अपने दफातर बंद कर रखे हैं जिसकी वजह से साइलिन रुल गए। उधर पंजाब असेंबली के इजलास में अहद चीमा के मामले पर हंगामा आराई हुई। तहरीक इंसाफ की रुकन असेंबली डॉक्टर नौशीन हामिद ने एहतजाज करते हुए कहा कि जेर हिरासत मुलजिम को ग्रेड 20 में तरक्की दी गई। इस पर स्पीकर राणा इकबाल ने ये कहकर मामला निपटाना चाहा कि अहद चीमा डीएमजी ग्रुप के हैं और ये मामला विफाक का है। बात बिगड़ने लगी तो कोरम की निशानदही काम आ गई। स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान ने दाखिली सीढ़ियों पर शदीद नारेबाजी की और एहतजाज किया। दूसरी तरफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखला आजम सुलेमान ने दफ्तरों में ताले लगाने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि महकमा दाखला का कोई दफ्तर बंद नहीं होगा। आजम सुलेमान के हुक्म पर सेक्रेटेरिएट का मरकजी दरवाजा खोल दिया गया है। इस मामले पर इमरान खान ने भी इजहार ख्याल किया है। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन अहद चीमा की गिरफ्तारी पर ब्यूरोक्रेसी का एहतजाज शर्मनाक है। इमरान खान ने लिखा कि गॉडफादर शहबाज शरीफ की सरकर्दगी में करप्ट टोला खुद को कानून से बालातर समझता है। उन्होंने कहा कि ग्रास टोले के हाथ साफ हैं, अगर इस टोले के हाथ साफ हैं तो एहतसाब से क्यों घबराते हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान इस सारे मामले से मुतालिक बात कर रहे हैं। अपने ट्विटर अकाउंट का उन्होंने इस्तेमाल किया और यह कहा कि शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन अहद चीमा की गिरफ्तारी ब्यूरोक्रेसी का एहतजाज, इस पर शर्म ना तरक्की, जिस पर पंजाब असेंबली के इजलास में खूब शोरगुल हुआ और अपोजिशन अरकान खास तौर पर तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इस अहम मसले की तरफ निशानदेही की कि वादा मुआफ गवाह बनने का खदशा है, इसलिए तरक्की दे दी गई ताकि जुबाबंदी हो सके। बहरहाल अहम मामला है साबिक डीजीएलडीए अहद खान चीमा जिन्हें लाहौर से गिरफ्तार किया गया। नैब उन्हें बार बार तलब करता रहा लेकिन वो पेश ना हुए। आशियाना हाउसिंग स्कीम ने करप्शन का ये मामला है और अहद चीमा नैब की हिरासत में है जिस पर एहतजाज हो रहा है। उनकी तरक्की के खिलाफ भी एहतजाज किया जा रहा है। ब्यूरो
ब्यूरोक्रेट की गिरफ्तारी, अफसर शाही बुरा मान गई। साबिक DGLDA अहद सीमा को बदनामी के इल्जाम में नैब ने गिरफ्तार किया तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उमर रसूल खम ठोक कर हिमायत में निकल आए और अहद सीमा की गिरफ्तारी के खिलाफ DMG ग्रुप अफसरान को फौरी तौर पर दफ्तर बंद करने का हुक्म दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उमर रसूल के अलावा एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर दानिश अफजाल, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन इरफान अली ने भी अपने दफातर बंद कर रखे हैं, जिसकी वजह से साइलीन रुल गए। उधर पंजाब असम्बली के इजलास में अहद सीमा के मामले पर हंगामा आराई हुई। तहरीके इंसाफ की रुकन असेंबली डॉक्टर नौशीन हामिद ने एहतजाज करते हुए कहा कि जेर हिरासत मुलजिम को ग्रेड 20 में तरक्की दी गई। इस पर स्पीकर राणा इकबाल ने ये कहकर मामला निपटाना चाहा कि अहद चीमा DMG ग्रुप के हैं और ये मामला विफाक का है। बात बिगड़ने लगी तो कोरम की निशानदही काम आ गई। स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान ने दाखिली सीढ़ियों पर शदीद नारेबाजी की और एहतजाज किया। दूसरी तरफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखला आजम सुलेमान ने दफ्तरों में ताले लगाने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि महकमा दाखला का कोई दफ्तर बंद नहीं होगा। आजम सुलेमान के हुक्म पर सेक्रेटेरिएट का मरकजी दरवाजा खोल दिया गया है। इस मामले पर इमरान खान ने भी इजहार ख्याल किया है। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन अहद चीमा की गिरफ्तारी पर ब्यूरोक्रेसी का एहतजाज शर्मनाक है। इमरान खान ने लिखा कि गॉडफादर शहबाज शरीफ की सरकर्दगी में करप्ट टोला खुद को कानून से बालातर समझता है। उन्होंने कहा कि ग्रास टोले के हाथ साफ हैं, अगर इस टोले के हाथ साफ हैं तो एहतसाब से क्यों घबराते हैं। तरीके इंसाफ इमरान खान इस सारे मामले से मुतालिक बात कर रहे हैं। अपने ट्विटर अकाउंट का उन्होंने इस्तेमाल किया और ये कहा कि शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन अहद सीमा की गिरफ्तारी ब्यूरोक्रेसी का एहतजाज, इस पर शर्म ना।